दोस्तों, अक्सर आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने भी होंगे और बोले भी होंगे। कैसे सेंटेंसेस? जैसे, वह चपड़ गंजू है। ये चपड़ गंजू कहाँ से टपक पड़ा? इस चपड़ गंजू पर यकीन मत करना। तू चपड़ गंजुओं का सरदार है, तू भी चपड़ गंजू बन गया। अब इस चपड़ गंजू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये सोचकर ही दिमाग के नट टाइट होने लगते हैं। लेकिन आपको अपने दिमाग के नट टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ चपड़ गंजू वर्ड के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, इसके सिनोनिम्स कौन कौन से होते हैं, इसके एंटोनिम्स कौन कौन से होते हैं, इसको आम बोलचाल के सेंटेंसेस में कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देख रहे हैं इंग्लिश का फंडा। चलिए प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों, चपड़ गंजू को इंग्लिश में कहते हैं बोजो, BOZO, बोजो। बोजो जो कि एक नाउन होता है। क्या होता है प्यारे दोस्तों? नाउन। और इसका इंग्लिश में मतलब होता है अ स्ट्यूपिड और इनसिग्निफिकेंट मैन, यानी एक पागल या बेवकूफ आदमी जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, जिसे सब लोग दिमाग से पैदल कहते हैं। आम बोलचाल में ऐसे व्यक्ति को मजाक उड़ाते हुए कह देते हैं चपड़ गंजू, ओ चपड़ गंजू। इसके सिनोनिम्स होते हैं प्यारे बच्चों ब्रेनलेस, बोन हेडेड, निन्नी, पूप, निनकंपूप। इसके एंटोनिम्स होते हैं सोबर माइंडेड, वाइज, सेंसिबल, सेन, इंटेलिजेंट, वेल बैलेंस्ड। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह चपड़ गंजू है, ही इज बोजो, ही इज बोजो। ये चपड़ गंजू कहाँ से टपक पड़ा? वेयर डिड दिस बोजो कम फ्रॉम, वेयर डिड दिस बोजो कम फ्रॉम। इस चपड़ गंजू पर यकीन मत करना, डोंट बिलीव दिस बोजो, डोंट बिलीव दिस बोजो। तू चपड़ गंजुओं का सरदार है, यू आर द मास्टर ऑफ बोजोज, यू आर द मास्टर ऑफ बोजोज। तू भी चपड़ गंजू बन गया, यू ऑल्सो बिकेम बोजो, यू ऑल्सो बिकेम बोजो। अब एक सेंटेंस है आपके लिए, चपड़ गंजुओं में रहना छोड़ दो मेरे भाई। आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।